टीवी अध्यादेश जो कृषि को लेकर के जारी किए हैं उसको लेकर के ये आंदोलन आज कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया है। तमाम ये कांग्रेसी नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर एम एल रंगा है, पूर्व जो है मंत्री हैं, और इनके साथ काफी सारे लोग हैं, बावल के हैं, किसान हैं, व्यापारी भी हैं, तो तमाम लोग आए हुए हैं। आज इनका धरना प्रदर्शन है। साथ ही मैं आपको बता दे के रेवाड़ी से जो लगातार 6 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, वो भी अभी यहाँ आएंगे। उनके निवास स्थान से जो है धरना प्रदर्शन शुरू होगा और यहाँ तक आएगा। उसके बाद तमाम लोग एक साथ इकट्ठे होकर के और जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। पूरी स्थिति रंगा साहब से एक बार समझते हैं किस तरीके का क्या कॉल बुलाया क्या है। रंगा साहब क्या कहेंगे आज, बैठे रहिए, क्या कहेंगे जो आज आंदोलन आप लोगों ने क्या क्या मेन उद्देश्य है? केंद्र सरकार ने जो 3 किसान विरोधी अध्यादेश पारित किए हैं उसमें मजदूर, किसान, आढ़ती, व्यापारी हर वर्ग उससे आज आहत है। इनके हकों पर कुठाराघात किया है। एक तरफ तो बात करती थी अब MSP देंगे और दूसरी ओर आज किसानों के हित पर 3 अध्यादेश, काले अध्यादेश पारित करके किसानों के साथ नुकसान किया है। जिस अध्यादेश में ये कहा है कि कोई भी कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, MSP कहाँ चली गई, GST कहाँ चला गया, इसका तात्पर्य ये हुआ आढ़ती और किसान और मजदूर का जो भाईचारा था आज इस सरकार ने खत्म कर दिया। फिर अनाज मंडियां प्रदेश में किस लिए बनाई हुई है? अगर अनाज मंडियों में किसान अपना खाद्यान्न नहीं लेकर के आएगा तो वो कहाँ पर बेचेगा? अगर सड़क पर बेचता है, कहते कहीं भी केंद्र सरकार ने पारित किया है कि कोई भी किसान कहीं भी बेच सकता है, बेच सकता है। इसका मतलब यह है कि वो धन्यवाद। अब ये कहा जा रहा है कि MSP को खत्म नहीं किया जाएगा, आप कैसे उसको देखते हैं जब ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से? आप देखिए, जब ये कह दिया कोई अपना खाद्यान्न कहीं भी बेच सकता है, तो जो आदमी राजस्थान से चला हुआ है किसी सड़क के ऊपर ट्रॉली को वहां बेच दिया, तो MSP की पर्ची कहाँ कटेगी, MSP कहाँ मिलेगा, आर्डर रसीद कहाँ कटेगी? तो उसके आपको, आपको क्या लगता है ये MSP बारह महीने लागू रहना चाहिए या उनके खिलाफ कोई ऐसा सख्त नियम बनाना चाहिए कि जो MSP से कम खरीदे उसके खिलाफ मामला दर्ज? MSP की रसीदें देनी चाहिए और MSP की रसीदें हर किसान को दे और बच्चे बेचने वाला उस MSP के रसीद से लेकर के जाए, तब तो MSP की बात आएगी। अब ये कह दिया कि कोई कहीं भी बेच सकता है, इसका मतलब आप किसी रास्ते में, किसी खेत में, किसी भी जगह बेच सकते हैं। तो ये आज आज जो आपका आंदोलन है क्या पूरी रूपरेखा रहेगी, कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें हमारे सारे किसान नेता आ रहे हैं, आढ़ती आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, पल्लेदार आ रहे हैं और कांग्रेसी नेता आ रहे हैं। और जो किसान वर्ग तो ऐसा है जो कि पूरा देश को आत्मनिर्भर कर बनाने में किसान का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि किसान तो इस अध्यादेश से खुश है, विपक्ष उनको भड़का रहा है, वो आप ही पे आरोप लगा रहे कि आपने पूरा अध्यादेश अभी पढ़ा नहीं है, आप जानबूझ के भड़का रहे हैं किसानों को। मैंने 3 अध्यादेशों को पढ़ा है और लाखों किसान जो आज सड़कों पर है, कल आपने देखा होगा GT रोड जाम किया हुआ था, क्या वो लाखों किसान अनपढ़ है? क्या लाखों किसानों ने अध्यादेश नहीं पढ़ा? और जब ये किसान नेता पूरे हिंदुस्तान के कृषि मंत्री से मिलने गए तो उनका एक जवाब था ये अध्यादेश तो पास हो गए, आगे बताइए क्या बात करनी है। तो ऐसे में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए किसान सड़कों पर आए। अब कह दिया कि आपका जो किसानों का जो कार्य है वो आपके ठेके पर था पर होगा, आपको कंपनियों को दिया जाएगा, दवाई छिड़कने का काम कंपनी को, बीज छिड़कने का काम कंपनी को दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये एम लेकर के आए, ये किसानों को सबसे बड़ा नुकसान करने वाली बात है। तो देखिए, किसानों का नुकसान करने वाली बात है और कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी है। लगातार आपको बताएं या देख रहे होंगे बैनर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अध्यादेश वापिस लो के ये नारे यहाँ पे लिखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और तमाम जो है कांग्रेसी लोग हैं और किसान भी इसमें हैं जिनके पास जमीनें हैं, बावल के भी लोग यहाँ आए हुए हैं। जरा आप क्या कहेंगे अध्यादेशों को लेकर के, आप किस रूप में देखते हैं, आप किस रूप में देखते हैं ये बताइए। अभी आपने क्वेश्चन किया, सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रही है विपक्ष के ऊपर ये किसानों को गुमराह करे। मैं आपके माध्यम से उस सत्ता पक्ष के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी ही पार्टी के जो मंत्री थी हरमीत कौर पंजाब से अकाली दल की,
उन्होंने अपना इस्तीफा देकर, क्योंकि वो एक किसान पार्टी है और किसानों के हक के अंदर उसने अपना इस्तीफा दिया है, भगवान उनको सद्बुद्धि सही समय पर आई और उन्होंने उस चीज को अपना इस्तीफा देकर उसका विरोध प्रकट किया। जब उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के किसान नेता जो है, जब उस अपना उस अध्यादेश के खिलाफ अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा पत्रकार महोदय जी, इसमें सरकार सत्ता पक्ष क्या सही है? अगर सही होती है तो उसके पक्ष की अपना इस्तीफा क्यों देते? लेकिन यहाँ जैसे जेजेपी की सरकार बीजेपी के साथ है, दोनों ने मिलकर बनाई हुई है, कल दुष्यंत चौटाला जी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अगर आपका दाना नहीं बिकेगा, एमएसपी नहीं मिलेगा लोगों को, एमएसपी पे नहीं खरीदा है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसमें कहीं भी एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। अगर एमएसपी पे नहीं बिका तो जो खरीदार है उसको 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें नहीं होना चाहिए, वो नहीं है इसके अंदर। ये चीजें अगर उसमें गारंटी है अगर देते तो शायद हम इसका सपोर्ट नहीं। आपको क्या लगता है कि एमएसपी फसल की खरीद चंद दिनों के लिए होते हैं? आपको नहीं लगता 12 महीने रहना चाहिए एमएसपी? एमएसपी कभी भी बेचो 12 महीने में। जब अगर आप इस तरह के अध्यादेश ला रहे हो तो उसमें किसानों को पूरे साल जो है उस एमएसपी पर बिकना चाहिए। और जब एमएसपी मेरे को आज जरूरत है, मैं अपना सामान उसमें ले जाऊँ, मंडी में ले जाऊँ, कहीं भी ले जाऊँ, तो उस रेट पे बिकना चाहिए, पूरे साल वो होना चाहिए। ये नहीं कब एक महीने फसल के टाइम एमएसपी दे दिया, उसके बाद फिर वही दाम। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति जो है बहुत डाउन हो रही है, दिन पर दिन नीचे जा रहे हैं और किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। तो देखिए, आप लोगों ने सुना, गुस्सा कहीं ना कहीं है, तमाम जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा है। अब ये आंदोलन या नारेबाजी लोग लगातार कर रहे थे। अब आपको बताएं कि अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ जो धरना प्रदर्शन मॉडल टाउन से पूर्व मंत्री कैप्टन अजीत सिंह यादव वो भी आएंगे, वहां से भी धरना प्रदर्शन चलेगा। एचआर न्यूज आपको वहां से भी अभी कवरेज दिखाएगा। फिलहाल अभी इतना ही, इसके बाद फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।